सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यहाँ पे रात्रि प्रहरी वाला वैकेंसी निकल कर सामने आया था, उसका जो है ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिया गया है। तो उसको जो है ऑनलाइन आवेदन कौन कौन से लोग कर सकते हैं, क्या जो है क्वालिफिकेशन रहने वाला है, आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए जो है आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नीचे जैसे एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, अगर आप जो उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह जो होता है, सारा अपडेट उसमें सबसे पहले यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो जो है ऐसे नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि रात्रि प्रहरी योजना जो यहाँ पर आया है, यह जो है उन्हीं लोगों के लिए आया है जो ऐसे सरकारी स्कूल में पहले से ही यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो खाना बनाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, वो जो है ऑनलाइन आवेदन वही कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है टोटल 5,000 रुपये यहाँ पे देने को बात कहा गया है। तो 5,000 रुपये में तो जो है कोई पढ़ा लिखा आदमी, ग्रेजुएशन आदमी जो है रात में वहाँ पर ड्यूटी थोड़ी करेगा, नहीं कर पाएगा। तो यह जो है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो वहाँ पर रात्रि के में खाना बनाने में काम करते हैं और स्कूल के साफ़ सफाई करते हैं। तो उन्हीं जो है लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनको जो है स्कूल का यहाँ पे देखभाल ही करना होता है, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन, जो है मुझे समय नहीं मिल पाया जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।